Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि गाइस हमको एक बहुत ही बड़ा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच होते हुए दिखने वाला है WWE के क्लैश एट द कैसल के प्रीमियम लाइव इवेंट पे, जहां पे जो कि हमारे करंट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमन प्रीस्ट गाइस उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले है अगेंस्ट द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। गाइस जैसे कि गाइस हमको पता है कि WrestleMania 40 में जो कि हमारे ड्रू मैकइंटायर है गाइस, उन्होंने गाइस सेथ रॉलिंस को हरा के जीत ली थी WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और गाइस फिर गाइस ड्रू मैकइंटायर गाइस तभी CM Punk के साथ थोड़ी मस्ती कर देते गाइस, तभी CM Punk ने ड्रू मैकइंटायर की पिटाई की और जिसका फायदा होता गया हमारे डेमन प्रीस्ट ने उनकी ब्रीफकेस कैशिंग की हमारे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और जीत ली थी WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और उसके बाद से क्लैश एट द कैसल तक ड्रू मैकइंटायर को एक बार भी चांस नहीं मिला है उनका चैंपियनशिप रिक्लेम करने का। जो चैंपियनशिप रीमैच रहता है फॉर्मर चैंपियन के लिए वो भी उनको नहीं मिला। और फाइनली क्लैश एट द कैसल में ये बड़ा मैच हमको होते हुए दिखने वाला है फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। गाइस पहले तो गाइस मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि गाइस जो क्लैश एट द कैसल है गाइस वो होने वाला है गाइस ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो कि है ड्रू मैकइंटायर का होम टाउन। गाइस ड्रू मैकइंटायर बिलोंग करते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से, तो ये प्रीमियम लाइव इवेंट उनके घर में ही होने वाला है यानी गाइस होम टाउन में। मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि गाइस 95% चांसेस है कि जो कि हमारे गाइस ड्रू मैकइंटायर गाइस ये मैच में गाइस हमको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतते हुए टिकने वाला है। अभी गाइस जो पहला रीजन जो मुझे लगता है गाइस क्यों ड्रू मैकइंटायर मैच गाइस वो है कि ये उनके होम टाउन में मैच होने वाला है और मुझे लगता है ना कि गाइस ड्रू मैकइंटायर उनके होम टाउन में हारने वाले है। और जो दूसरा रीजन गाइस मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग रीजन है गाइस, तब से गाइस हमारे डेमन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने गाइस रॉ गाइस बहुत ही बोरिंग हो गई है यानी गाइस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर है गाइस वो इतनी बोरिंग हो गई गाइस, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का पिक्चर है गाइस वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और गाइस इतने वक्त से हमारे सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे गाइस, उन्होंने कितना अच्छे से गाइस मामला संभाल के रखा था, तब से हमारे डेमन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने गाइस, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की प्रीस्टीज है गाइस वो तो कम हुई है और रॉ बहुत ही बोरिंग हो गई है। और जो तीसरा एंड मेन रीजन मुझे क्यों लगता है कि ड्रू मैकइंटायर मैच में हमको जीतते हुए दिखने ही वाले है कि इस वो रीजन है कि ड्रू मैकइंटायर ने गाइस WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले गाइस WWE वाले ने गाइस ड्रू मैकइंटायर को उनके होम टाउन में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का भी ऑफर दिया रहेगा और वो मुझे मेन रीजन लगता है कि वो ड्रू मैकइंटायर ने WWE के साथ रीसाइन किया। तो मेरी प्रेडिक्शन है मैच में पूरी की पूरी मेरे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर है कि वो ये मैच में हमारे डेमन प्रीस्ट को हरा के बन जाएंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।